Hi dears, I am Muhammad Kareem and today I am going to provide a lecture about introduction to biology. I think you ask about lecture about introduction to biology. Okay, the biology, the word biology is composed of two words, bio and logy. Number one is bio and logy. Logy means logos. अभी हम देखेंगे कि बायो बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लोगस लोगस कैन स्टडी रीजनिंग या थॉट्स लाइफ एंड स्टडी इट मींस द स्टडी ऑफ लाइफ द स्टडी ऑफ लाइफ इसका बायोलॉजी तो ये इंट्रोडक्शन हो गया बायोलॉजी का अभी हम इनकी जो मेन ब्रांचेस है हम उनको पढ़ने जाएंगे नंबर वन हमारे पास है जूलॉजी बोटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी ये तीन जो शाखे हमारे पास हैं ये मेन शाखे होते हैं बायोलॉजी के अब हम देखेंगे जूलॉजी को इट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स जू जू मीन एनिमल एंड लॉजी लॉजी मीन लोगस लोगस मीन स्टडी इट मीन द स्टडी ऑफ एनिमल इसका जूलॉजी यानी जूलॉजी में हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एनिमल्स होते हैं उनके उनके लाइफ स्टाइल के बारे में मुताबिया करना वो क्या जूलॉजी कहलाता है अभी हम आते हैं बोटनी बोटनी वैसे बोटनी का मतलब होता है द मीनिंग ऑफ बोटनी इज प्लांट्स यानी जो बोटनी होता है इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के पौधे होते हैं प्लांट्स होते हैं उनके लाइफ स्टाइल के बारे में यानी वो किस तरह ऑक्सीजन लेते हैं किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और यानी किस तरह वो ग्लूकोज बनाते हैं इसको यानी उसके लाइफ स्टाइल के बारे में मुताला करना बोटनी कहलाता है द थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी देयर आर टू वर्ड्स माइक्रो एंड मैक्रो माइक्रो उसको कहते हैं जो ऐसे जानवर चीजें जिन्हें हम अपने आम आंख से देखते हैं लेकिन जो माइक्रो होता है ये बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपने आम आंख से नहीं देख सकते अभी माइक्रो कहाँ आते हैं माइक्रो मीन स्मॉल स्मॉल इसको आप ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं और बायोलॉजी वगैरह से मतलब होता है स्टडी इट मींस स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स इसका माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रोबायोलॉजी में हम छोटे छोटे चीजों का मुताला करते हैं जैसे इंसेक्ट वगैरह हमारे पास है यानी छोटे जानदार छोटे अशिया और में हम माइक्रोबायोलॉजी में उनका स्टडी मुताला करते हैं अभी जो नेक्स्ट शाख हमारे पास आता है एनाटॉमी आता है हमारे पास एनाटॉमी अभी ये भी दो अल्फाज मिलकर बना है अभी नंबर वन हमारे पास है एना और जो टोमी है ये टोम से निकला है एना सेकंड वन इज टोम अभी हम देखें एना एना मींस अप एंड टोम मीन कटिंग यानी अप कटिंग किसी चीज को किसी जानदार चीज को कट करके उसको डाइसेक्ट करके उसके बारे में मुताला करना एनाटॉमी कहलाता है अब जो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है वो है हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज के बारे में मुताला करते हैं हिस्टोलॉजी हम टिश्यूज के बारे में द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी तो टिश्यूज क्या होते हैं यानी किस तरह बनते हैं द कंबिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स इज कॉल्ड then they will you know make a tissue यानी कि मुख्तलिफ जो सेल होते हैं वो आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं इसको हम सेल कंबाइंड कह सकते हैं अभी हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज होते हैं जैसे कि हमारे पास है स्मूथ टिश्यूज स्मूथ टिश्यूज हमारे पास होते हैं अक्सर हमारे स्टोमी वगैरह में पाए जाते हैं और जो नेक्स्ट हमारे पास होता है कार्डिक टिश्यूज जो हमारे हार्ट वगैरह में पाए जाते हैं यानी ये हो गया हिस्टोलॉजी अभी नेक्स्ट जो ब्रांच हमारे पास है वो है एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम सिर्फ इंसेक्ट्स का मुताला करते हैं इंसेक्ट्स द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी यानी कि इंसेक्ट्स का मुताला एनाटॉमी कहलाता है
अभी छोटे छोटे इंसेक्ट्स हमारे पास हैं, एंट वगैरह जैसे हमारे पास हैं, हम उनके लाइफ स्टाइल के बारे में मुताला करें तो वो क्या कहलाता है, एंट एटॉमी कहलाता है। तो ये था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आई होप सो दैट यू विल हैव गॉट इट। ओके, थैंक्स।